Hello student, continue our chapter number 30, smart chart. इसमें आप देखेंगे आपकी बुक में पेज नंबर 187 पे यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल. बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल जो है उससे वो जा रहे हैं. ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो किस किस टाइप से जा रहे हैं. तो कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ बस में जाते हैं, कुछ ऑन फुट यानी वॉकिंग चलते हुए जाते हैं कुछ स्कूल, कुछ कार से जा रहे हैं, कोई कोई क्या कर रहे हैं रिक्शा में जा रहे हैं. तो सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो है स्कूल जा रहे हैं अलग अलग चीजों से. यहाँ पे देखेंगे एक जो बच्चा है वो हॉर्स पे आ रहा है, कुछ बाइसिकल पे आ रहे हैं, बस पे आ रहे हैं, कार में आ रहे हैं, ट्रैक्टर में बैठ के आ रहे हैं. तो यहाँ पे हमें पिक्चर में बताया गया है कि बच्चे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल में जो है स्कूल आ रहे हैं. तो यही है चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल. आपको पिक्चर देखना है और ये टेबल जो है वो फिल अप करना है. तो आपने क्या करा आपकी बुक में वे ऑफ कमिंग किस टाइप से वो लोग आ रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट किस चीज में कितने कितने स्टूडेंट आ रहे हैं ये आपको नोट करना है. तो सबसे इसमें आपको फर्स्ट में दिया हुआ है ट्रैक्टर. आप देखोगे इसमें ट्रैक्टर का पिक्चर दिया हुआ है और उसमें कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, थ्री. तो यहाँ ट्रैक्टर की जगह पे थ्री लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी आपकी बुक में दिया हुआ है. इसके बाद में हमें कौन कौन से व्हीकल इसमें दिखाई दे रहे हैं उनके हम नाम लिख लेंगे. हमें इसमें बाइसिकल दिखाई दे रही है, वॉकिंग वॉकिंग यानी ऑन फुट जो चल के आ रहे हैं उनके नेम यहाँ पे उनके नंबर यहाँ लिखेंगे. कार हमें कार भी दिखाई दे रही है, रिक्शा दिखाई दे रहा है और बस दिखाई दे रही है. अगर आपको आगे बनाना है तो इसमें हॉर्स भी दिखाई दे रहा है तो आप हॉर्स वाला भी कॉलम बना सकते हो. तो हमें जो जो चीजें दिखती थी हमने वो नोट कर लिया. अब हम देखेंगे बाइसिकल पे कितने चिल्ड्रन आ रहे हैं वो आपको काउंट करना होगा. बाइसिकल पे देखेंगे 1 2 3 4 5. हमें बाइसिकल पे 5 चिल्ड्रन यानी 5 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं तो बाइसिकल में हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे. ऑन फुट यानी वॉकिंग जो बच्चे चल के आ रहे हैं उनको हम देखेंगे. तो आपको पूरे पिक्चर में वो चिल्ड्रन को क्या करना है काउंट करना है जो स्कूल कैसे आ रहे हैं चल के आ रहे हैं. तो देखेंगे 1 2 ऊपर के साइड में 2 है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. मुझे टोटल 11 दिखाई दे रहे हैं. आप भी ध्यान से देखोगे तो वॉकिंग में आपको 11 स्टूडेंट दिखाई देंगे. अब नेक्स्ट है कार. आप कार का पिक्चर देखिए, यहाँ पे 1 कार दी हुई है. कार के अंदर देखोगे आप कार के अंदर 2 चिल्ड्रन जो है 2 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं. वैसे वहां पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं बट क्या हो गया स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट ओनली 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा. अब हम रिक्शा में देखेंगे, रिक्शा में 1 2 3 4 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं रिक्शा में तो रिक्शा में 4 आ जाएगा. अब आप बस देखिए, बस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस में जो है हमें 9 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं. इस टाइप से हमने क्या करा, हमने पिक्चर देखी, पिक्चर देख के हमने देख लिया कि कौन कौन से व्हीकल्स है जिसमें स्टूडेंट जो है स्कूल में आ रहे हैं और कितने कितने स्टूडेंट आ रहे हैं. तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है. अब देखिए 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय ट्रैक्टर, वी राइट 3 इन द टेबल. 3 स्टूडेंट ट्रैक्टर से आ रहे थे तो हमने वहां 3 लिख दिया. इसी टाइप से बाइसिकल पे 5 आ रहे थे हमने 5 लिख दिया. वॉकिंग जो चल के आ रहे थे वो 11 थे हमने 11 लिख दिया. कार से 2 आ रहे थे, रिक्शा से 4 आ रहे थे और बस से 9 आ रहे थे. ये तो क्या हो गया, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई. जो पिक्चर हम देख रहे हैं उसके बारे में हमने वो पूरी कलेक्ट कर ली है. अब आगे देखेंगे, देखेंगे यहाँ पे ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट टू शो हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाय बस बाइसिकल एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर ट्रैक्टर से 3 चिल्ड्रन आ रहे हैं तो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है उसमें ट्रैक्टर वाले प्लेस पे 3 फेस ड्रॉ किए हुए हैं. तो उसी टाइप से जिन जिन चीजों से जो जो आ रहे हैं वो हमें देखना है, उतने ही फेस हमें बनाने हैं. तो आप देखोगे बस, बस से कितने आ रहे हैं तो बस वाला कॉलम आप देखेंगे, ये बस, बस से 9 चिल्ड्रन आ रहे हैं तो यहाँ हमें कितने फेस ड्रॉ करने होंगे, 9 फेस ड्रॉ करने होंगे. तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको ये सीधे दिखा रहे हैं
बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9। हम थोड़े छोटे छोटे बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। यहाँ पे कितने बनाने हैं हमें फेस, बस से 9 स्टूडेंट आ गए इसलिए हम 9 फेस बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो इनके फेस बना देंगे हम 9। तो ये बस से हो गए 9 स्टूडेंट जो बस से स्कूल आ रहे हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट है हमारा बाइसिकल। तो आप देखोगे बाइसिकल से 5 आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो हम बाइसिकल वाले पार्ट पे 5 चित्र बना देंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसका फेस बना देंगे। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट पूछा गया है रिक्शा, रिक्शा से कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो हमें कितने फेस ड्रॉ करने होंगे, 4। तो यहाँ पे हम 4 फेस ड्रॉ कर देंगे, 1, 2, 3 एंड 4। अब लास्ट है ऑन फुट वॉकिंग, वॉकिंग करके कितने आ रहे हैं, चल के 11 आ रहे हैं। तो हमें वहां पे 11 फेस ड्रॉ करने होंगे। अब देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एकदम आपके स्ट्रेट जाना चाहिए, इसे आड़े तेरे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें 11 फेस बना देने हैं। ये एकदम लाइन जो है आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा पूरा, ये हमने जो ग्राफ बनाया था, जो हमें दिया गया था यहाँ पे चार्ट, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले पिक्चर अच्छे से ध्यान से देखी, उसका ऑब्जर्व किया और उसमें सभी व्हीकल देखे और व्हीकल में कितने कितने स्टूडेंट है वो हमने नोट कर लिया। उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग हमने ये चार्ट कंप्लीट किया। अब हमारा चार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हम आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है पेज नंबर 188 पे, देखेंगे ए नंबर का क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, सबसे अधिक स्टूडेंट किस चीज से आते हैं, कैसे आते हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट स्कूल में। तो कैसे आते हैं, वॉकिंग, चल के आते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, वॉकिंग या ऑन फुट चल के आते हैं। तो ए नंबर का आ गया वॉकिंग करके आते हैं, या फिर आप लिख सकते हो ऑन फुट चल के आते हैं, ओके। अब बी नंबर में आपको पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल इज दैट मोर एंड लेस, दोनों में से आपको बताना है, देन द स्टूडेंट कमिंग ऑन बाइसिकल, जो बाइसिकल से आते हैं स्टूडेंट और जो चल के आते हैं वॉकिंग करके आते हैं, उन दोनों में वॉकिंग वाले स्टूडेंट मोर है या लेस है। वॉकिंग वाले स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, मोर, किसके कंपैरिजन में, बाइसिकल से आने वाले जो स्टूडेंट है उसके कंपैरिजन में वॉकिंग वाले स्टूडेंट के नंबर यानी संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर में हम क्या कर देंगे, मोर ज्यादा है वॉकिंग करके आने वाले स्टूडेंट की संख्या। अब देखिए नेक्स्ट है सी नंबर, द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, सबसे कम स्टूडेंट किस चीज से आते हैं स्कूल में। तो आप देखोगे सबसे कम चिल्ड्रन कैसे आते हैं, एक बच्चा आप यहाँ पे देखोगे पिक्चर पे ध्यान से देखिए, पेज नंबर 187 पे मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा जो है वो हॉर्स से आ रहा है और जो एक जो है वो व्हील चेयर से आ रहा है। सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे देखोगे दो बच्चे व्हील चेयर को धक्का मारते हुए लेके आ रहे हैं, तो सबसे कम स्टूडेंट कार से आ रहे हैं, व्हील चेयर है हॉर्स से, हॉर्स से भी वन स्टूडेंट आ रहा है, व्हील चेयर से भी वन स्टूडेंट आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सी नंबर में द लीस्ट स्टूडेंट कम टू स्कूल बाय हॉर्स एंड व्हील चेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा हॉर्स एंड व्हील चेयर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें
क्या करना होता है, स्मार्ट चार्ट बनाना होता है, हम सभी चीजों का जो डेटा होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और एक चार्ट बना लेते हैं, और चार्ट के अकॉर्डिंग हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हम आंसर इजीली दे सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और आपको ये चार्ट खुद बना के देखना है। ये पिक्चर में पहले वाला हमने देखा था, पेज नंबर हमने 178 का जो क्वेश्चन किया था, रोड वाला पिक्चर, उसमें हमें क्लियर पिक्चर इतनी समझ में नहीं आ रही थी, बट ये वाले पिक्चर में जो भी व्हीकल दिए हुए हैं उसमें एकदम क्लियर पिक्चर बना हुआ है। तो आप इसमें प्रॉपर काउंट करके सभी चीजों को नोट कर सकते हो और जो क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हो उसके आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।